तो क्या बात है गेमर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक नई वीडियो में। तो यार एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ माइनक्राफ्ट, और इस नई वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 8 माइनक्राफ्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो तुम्हें अगर तुम बिगिनर हो तो बहुत काम आने वाली है। यार मैंने एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी नाम की एक नई सीरीज शुरू करी है, जिसका यह पहला एपिसोड है, और इस सीरीज में ऐसी वीडियोज आएंगी जो तुम्हें बिगिनर से एकदम हाई लेवल प्रो बनाने में काम आएगी। तो ये है सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें मैंने उन लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स रखी है जिन्होंने माइनक्राफ्ट अभी रिसेंटली खेलना शुरू करा है और उन्हें ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं पता। तो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो अपनी फर्स्ट टिप इज अबाउट नेविगेशन, जिसका मतलब है कि हमें अपने कोऑर्डिनेट फीचर को यूज करना चाहिए। जिनको नहीं पता, F3 दबाते ही हमारे स्क्रीन पे बहुत कुछ लिखा आ जाता है, जिसमें से सेकंड पैराग्राफ की अगर तुम फर्स्ट लाइन देखो तो डिजिट्स होती है जो हमारे मूव करते ही चेंज होती है। तो हमारे जो वर्ल्ड का ओरिजिन पॉइंट होता है यह बताते हैं कि हम उस ओरिजिन पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में कितना दूर है। तो तुम्हें हेल्प करता है चीज़ों को नेविगेट करने में, तुम अपने इंपॉर्टेंट जगहों की मतलब कोऑर्डिनेट्स याद कर सकते हो। लाइक मेरे दिमाग से भी छोटा जो घर है वो इस कोऑर्डिनेट पे है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो मेरे काम आएगा अगर मैं भूला भटकाया कहीं भी घूम रहा हूँ। तो अब मैं सीधा F3 दबा के कोऑर्डिनेट देख सकता हूँ अपने प्रेजेंट लोकेशन के, और देख सकता हूँ कि मेरे को कौन से डायरेक्शन में जाना है कि मेरा घर आ जाएगा। लाइक अगर मैं अभी देखूँ तो ये है कोऑर्डिनेट्स, और मेरे घर से मैं काफ़ी दूर हूँ, तब मैं आसानी से जा सकता हूँ ना। तो यार सीधा चलते हैं, है ना। तो ऐसे तुम अपने हर इंपॉर्टेंट जगह के कोऑर्डिनेट सेव कर सकते हो, और ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। सेकंड टिप तुम्हें तब बहुत काम आने वाली है जब तुम किसी केव या किसी रवीन में खो चुके हो। रवीन में कौन ही खोता है, बट स्टिल मान लो तुम एक बहुत बड़ी केव में खो चुके हो, तुम्हें बहुत सारा माल भी दिखता है और बहुत सारे जॉम्बीज भी। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास हॉट बार में कुछ सेलेक्टेड आइटम्स रहनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है टॉर्च। ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है, जब भी तुम एडवेंचर पर जाओ तो टॉर्च और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक जो मेरे पास अभी ख़त्म हो चुके हैं अपने साथ रखो, और इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा किसी से पाला पड़ जाए। अगर तुम सोच रहे हो भाई हम केयरफुल रहेंगे हमारे को कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए भी तुम रेडी रहो, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना। देखो अभी मेरे पास शील्ड भी रेडी है और मेरे पास स्वॉर्ड भी रेडी है हॉट बार में, कि मैं फटाफट ये निकाल लूँ माइनिंग करते हुए। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, तो देखो एक्चुअली में होता क्या है। मान लो मैं अभी माइनिंग कर रहा हूँ, मेरे को कुछ रास्ते बनाने हैं, तो मैंने बस अपनी पिकैक्स निकाली खोदने के लिए, कि तभी मैंने 2-3 गड्ढे खोले ही कि देखो कौन आया, वाह। तो इसके लिए मेरे पास रेडी होना चाहिए, कि वरना मैं पिकैक्स ही मारने लग जाऊंगा। खैर अभी तो मैंने स्विच कर लिया अपनी एक्स पे, पर लेकिन अभी भी मामला इंटेंस है। शिट, ओह ओह शिट शिट, अबे मैंने इमेजिन नहीं करा था हो जाएगा क्या भाई। ओ भाई गलती से MLG हो गई। अच्छा है भाई रिकॉर्ड हो गया, ऐसे थोड़ी यार DJ पिक कहते हैं भाई। वैसे एकदम एडवाइस थी मेरी, टिप 3 यही थी कि अपनी इन्वेंट्री में हमेशा एक वाटर बकेट रखो, पर मैं इंटेंशनली नहीं करा ये। मेरे को नहीं पता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा और अभी रिकॉर्ड करूंगा, वरना मैं बाहर जाके रिकॉर्ड करता इसे पहाड़ से गिरते वक्त। शिट भाई भाई मज़ा आ गया भाई, भाई मोमेंट हो गया। तो जो हमारी टिप नंबर 4 है, तुम्हें लग सकता है कि ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी आलस भी आ सकता है इसको करने में, पर पर्सनली मैं भी करता हूँ ये वाली टिप, मैं सारी करता हूँ, बट ये वाली टिप तुम्हें करनी चाहिए। तो मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी सारी चेस्ट और आर्मर के सूट्स भी हैं मेरे पास। तो यार मैंने सारी चेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रखा है अपने छोटे से घर में। लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे खाने का आइटम्स रख रखा है, लाइक मीट वगैरह सब, वेज नॉन वेज सब, ब्रेड से लेके फिश तक। इसमें सारे वुडन आइटम्स, इसमें सारे पोशंस, और साइड वाले में सारे वो माइनिंग के आइटम्स। हालांकि तुम्हें लग सकता है कि इसका क्या ही फ़ायदा है, मानो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज चेस्ट रखना काफ़ी यूज़फुल रहता है, और इससे टाइम भी बचता है बहुत ज़्यादा, और तुम्हें आराम से पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, टम भारी हो सकती है पर हाँ ये एक्चुअली में बहुत काम की चीज़ है। और अपने आर्मर्स को भी ना, ओ और नहीं ये मैंने नहीं करा, मैं तो यहाँ था ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो अपनी नेक्स्ट टिप ये है कि अगर तुम्हें अपने घर के पास कोई भी लावा पूल, मौत का कुआं या कोई भी लावा सोर्स दिखे, तो उसे बंद मत कर देना या ढक मत देना, इंस्टेंट उसे कलेक्ट कर लेना। हाँ तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हें खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर रखने को कह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यार ये नेदर पोर्टल में तो काम आता ही है, पर लेकिन इसके अलावा एक बहुत तगड़ा फंक्शन ये है कि एक टाइम पे एक लावा बकेट 100 ब्लॉक्स को स्मेल्ट कर सकती है। हाँ 100 ब्लॉक्स। तो अब इसके बाद तुम्हें कोल्स के लिए भी तरसना नहीं पड़ेगा। ओ भाई मैं कितना तरसता हूँ। तो इस सब के बाद मेरे पास है एक बोनस चिप, विच इसके तुम्हें अपने सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए। हाँ यार तुम्हें अपनी सेटिंग्स को थोड़ा ध्यान में रख के, अपने डिवाइस को ध्यान में रख के उसे चेंज करना चाहिए। तो अगर तुम सेटिंग में जाके FOV चेंज करोगे और क्वैक प्रो कर लोगे, तो यार एक बार देखो
सब कुछ क्या बढ़िया लगता है यार, स्मार्टी पाई बन गया मेरे को ऐसा लग रहा है लिटरली भाई, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसमें रहता है और ये स्पीड रनर्स के लिए बेस्ट रहता है। हो सकता है तुम्हें पसंद आए तो तुम अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो, और साथ में इसकी और भी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे डिवाइस के लिए शायद अच्छी हो या बेस्ट ना हो। तो वीडियो सेटिंग में जाकर तुम अपने ग्राफिक्स, लाइटनिंग, जीयूआई, स्केल सब चेंज कर सकते हो। और हाँ, अपने डिवाइस का ध्यान रख लेना, क्या पता तुमने सब कुछ हाई कर दिया और बाद में तुम्हारा डिवाइस एटम बम की तरह। हाँ भाई, कुछ नहीं पता क्योंकि ओके वो किस्सा मैं नहीं बता रहा। एनीवेज, तो यार रेंडर डिस्टेंस मैंने 8 कर रखा है क्योंकि मेरे को मेरा पीसी प्यारा है, एंड बाकी मैक्स फ्रेम रेट इसमें अनलिमिटेड जा सकते हैं, 100-200 उससे ज़्यादा जा सकते हैं, और बाकी तो तुम अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज कर ही सकते हो। इसके अलावा बाकी तुम देख लेना क्या क्या चेंज करना है, और आई होप कि तुम्हें टिप्स पसंद आई हो, और तुम्हें इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर ऐसी और टिप्स चाहिए तो यार जल्दी से जाके कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।